नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। जी हां, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर प्यार सा लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में एयर इंडिया 3500 करोड़ करेगी निवेश, गुरुग्राम में बनेगा हेलीपोर्ट, उत्तरी भारत के राज्यों में जुड़ेगा प्रदेश। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुरुग्राम के सेक्टर 84 में हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इस हेलीपोर्ट की स्थापना से दिल्ली की एयर स्पेस को एक नया विकल्प मिलेगा। हरियाणा के साथ लगते राज्यों के शहरों के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी भी साबित होगी। और डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में एयर इंडिया 3500 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी में है और एयर इंडिया प्रदेश में प्रशिक्षण शुरू करना चाहती है। हरियाणा में पुलिस थाने के भीतर गैंगस्टर गाने पर रील, फरीदाबाद में दो युवकों ने बनाई बैकग्राउंड में चलाया, रातों रात मुंडा गैंगस्टर हो गया। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में पुलिस थाना का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दो युवकों ने गैंगस्टर के गाने पर न केवल रील बनाई बल्कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो पुलिस के सामने भी पहुंच चुकी है। हरियाणा सीएम ने की वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन से बात, खट्टर बोले आपके दादा और मैंने एक साथ पढ़ा, जब आओगे तो मिठाई खिलाऊंगा। अंडर 19 महिला की T20 कप्तान शेफाली वर्मा से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने बात की। वीडियो कॉलिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने शेफाली को बधाई दी और कहा कि तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है, देश के साथ ही पूरे हरियाणा को तुम पर गर्व है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम की कप्तान शेफाली वर्मा हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं। DHBVN में PPP से लिंक किए जाएंगे कनेक्शन। तो हरियाणा के 11 सर्किलों में 65% काम पूरा, 13,97,000 उपभोक्ता शेष। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 40,39,322 उपभोक्ताओं को परिवार पहचान पत्र से लिंक किया जा रहा है। प्रदेश के 11 सर्किल में 65% काम हो चुका है। DHBVN के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि निगम के 40,39,322 कनेक्शन उपभोक्ताओं की परिवार पहचान पत्र से मैपिंग की जाएगी। हरियाणा की खेल नीति को अपना सकता है हिमाचल, मंत्री अधिकारियों के साथ की गई बैठक। हिमाचल प्रदेश में बड़े खिलाड़ियों को तैयार करने की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए हरियाणा की खेल नीति को अपनाया जा सकता है। हरियाणा की खेल नीति का मंथन करने के बाद प्रदेश में नई नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा। मंगलवार को राज्य सचिवालय में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग और पर्वतारोही संस्थान मनाली के कामकाज की समीक्षा करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति पर मंथन किया जाएगा। हरियाणा के CM ने 2020 बैच के SCS अधिकारियों को पढ़ाया ईमानदारी का पाठ, कहा भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने वर्ष 2020 बैच के SCS अधिकारियों को ईमानदारी और निष्ठा का पाठ पढ़ाया। अधिकारियों से संवाद करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए हैं, भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि एक अधिकारी के तौर पर अपनी सभी की समाज के प्रति अधिक जिम्मेवारी है, इसलिए अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करें। कट ऑफ कम करके भरेंगे ADO भर्ती के पद, इंटरव्यू के लिए पदों की संख्या से 2 से 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से कराए गए सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए कट ऑफ कम की जाई गई। ये जानकारी कृषि मंत्री JP दलाल ने शिवानी मंडी में कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि कट ऑफ कम करके साक्षरता के लिए 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि HPSC की ओर से वर्ष 2022 में सहायक कृषि अधिकारी के 600 पदों के लिए भर्ती की गई थी। बहादुरगढ़ के गांव आसांडा में पति ने पत्नी को मारी गोली, फिर खुद को भी गोली से उड़ाया। हरियाणा के बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव आसांडा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी, इसके बाद खुद को गोली से उड़ा लिया है। गोली लगने से व्यक्ति की मौत भी हो गई है जबकि उसकी पत्नी की हालत नाजुक है, वह PGI रोहतक में उपचाराधीन है। जानते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होते ही सर्दी का 5वां दौर आरंभ, तापमान में भी फिर से आएगी गिरावट। प्रदेश से पश्चिम विक्षोभ आगे निकलते ही रात्रि के तापमान में गिरावट आनी शुरू हो गई है, साथ ही ठंड व कोहरा फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को हरियाणा NCR दिल्ली में
अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। एक ही दिन में संपूर्ण हरियाणा में NCR दिल्ली के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से यहां पर गिरावट आई है। जिले में नारनौल व महेंद्रगढ़ का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जिले में दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 2 से 3 दिन तक संपूर्ण इलाके पर इसी तरह के मौसमी गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। साथ ही हरियाणा NCR दिल्ली में सप्ताह के अंत तक मौसम शुष्क बना रहेगा। तो जी हाँ, ये थे हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। धन्यवाद। जय हिंद।